इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को अपना कप्तान चुना है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया है। आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले आईपीएल की सभी 8 टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। स्मिथ की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स यूएई में खेले गए पिछले आईपीएल में आखिरी स्थान पर रही थी। स्मिथ ने सभी 14 लीग मैच खेले और मात्र 311 रन बनाए। टीम के खराब प्रदर्शन के कारण उनकी कप्तानी की काफी आलोचना हुई थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन यूएई में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स के पास स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर जैसे बड़े नाम शामिल थे। बावजूद इसके राजस्थान का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। हालांकि टीम की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद राजस्थान का सफर 8वें स्थान पर खत्म हुआ। राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बदाले ने एक बयान में कहा है, आईपीएल के विस्तार के साथ कप्तानी पूरे साल का जिम्मा हो गया है और ऐसे में सक्षम भारतीय कप्तान होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि संजू ने रॉयल्स के लिए ही डेब्यू किया था और पिछले 8 साल में उसकी प्रगति देखना काफी सुखद रहा है। वो 2021 में टीम की कप्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। वहीं स्टीव स्मिथ का करार राजस्थान रॉयल्स के साथ अक्टूबर 2020 में खत्म हो गया था। आईपीएल 2018 से पहले रॉयल्स ने सिर्फ स्मिथ को टीम में बरकरार रखा था और 12.5 करोड़ रुपए का करार किया था। उन्हें कप्तान भी बनाया गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ विवाद के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुई सीरीज में भी स्मिथ कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। नए कप्तान संजू सैमसन ने कहा, मैं इस चुनौती को लेकर काफी रोमांचित हूं। कई बेहतरीन खिलाड़ियों ने रॉयल्स की कप्तानी की है और मैंने राहुल द्रविड़, शेन वॉटसन, अजिंक्य रहाणे और स्टीव स्मिथ से काफी कुछ सीखा है। बता दें कि आईपीएल 2020 में संजू सैमसन ने 14 मैचों में 28.8 की औसत से 158 की स्ट्राइक रेट के साथ 375 रन बनाए थे। वहीं आईपीएल में अभी तक सैमसन ने कुल 107 मैच खेले हैं, जिसमें 27.8 की औसत से 133.7 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 2584 रन बनाए हैं। संजू ने आईपीएल में अभी तक 2 शतक और 13 अर्धशतक जड़े हैं। राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान संजू सैमसन की कप्तानी को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।